अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टू माय न्यू वीडियो। सो हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सबकी सेहत बड़ी अच्छी होगी, आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक हूँ। तो आज मैं अपना सहरी टू इफ्तारी रूटीन शेयर करूँगी आप सबके साथ। फ्रॉम सहरी, मैंने सहरी में क्या खाया और पूरे दिन, मतलब बहुत ज़्यादा बारीक डिटेल्स तो नहीं, बट या व्हाट आई यूजुअली डू इन दीज डेज, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो गए तो पढ़ाई शढ़ाई करनी है नहीं, तो बस इसके लिए। तो ये मैं एक्चुअली अब मैं कुछ दिनों से सोती नहीं हूँ, रात में पूरी रात जागती हूँ, या तो मैं कभी कुरान की तिलावत कर लूँगी, कभी नमाज़ पढ़ लेती हूँ, कभी अपने कज़न से बातें कर लेती हूँ, मतलब यूजुअली अक्सर के ऐसे ही मेरा टाइम पास होता है सहरी तक। तो मैं उठ चुकी हूँ अभी, मेरे मम्मा का भी उठने का टाइम हो ही चुका है, वो सबसे पहले उठते वैसे तो, बट ठीक है, मैं अभी कुछ दिनों से नहीं सो रही हूँ, तो मैंने सोचा जब तक वो उठ रहे हैं तब तक मैं ये जो बर्तन हमारे धुल चुके हैं उनको मैं ट्रोली में लगा दूँ फटाफट से। तो बस ये, और ये देखिए मेरा माइलो, ये भी पूरी रात हमारे साथ जागता है, मतलब मेरे साथ जागता है पूरी रात, और अगर सो भी जाए ना तो सुबह सहरी में ज़रूर उठ जाता है ये भी, एज इफ उसको रोज़ा रखना है, बट कुछ नहीं। तो यहाँ पर अब हम सब अपनी सहरी कर रहे हैं, सब रोटी खा रहे हैं और मैं पराठा खा रही हूँ, क्योंकि मुझे रोटी सच में वैसे पसंद नहीं है, बट ठीक है। तो और सुबह सुबह तो वैसे भी कुछ खाने का मन नहीं करता है, तो मैंने अपने लिए तो पराठा बना लिया था और यहाँ पर सालन था। तो बस हम सब अभी अपनी चाय पियेंगे। चाय पीने से एक्चुअली नींद तोड़ जाती है मुझे, सुबह फजर के बाद फिर नींद ही नहीं आती है, बट ठीक है, मुझे इसके बाद कुरान और नमाज़ भी पढ़ना है, तो फिर अब मैं बेहोश ना रहूं उसके लिए चाय पी लेती हूं। तो बस अब चाय वगैरह हो गया, पी के सहरी करके अल्हम्दुलिल्लाह से हो चुका है और किचन विचन की सफाई भी हो गई है, तो उसके बाद अब चलते हैं सीधा ब्रश करने। मैं कभी भी सहरी करने से पहले ब्रश नहीं करती, जब मैं सोती भी हूँ रात में ना, तो जब सहरी के लिए उठती थी तो मैं बिना ब्रश किए सहरी कर लेती थी। तो हाँ, फिर मैं खाने के बाद, सब होने के बाद मैं सहरी के बाद फिर देन आई ब्रश माई टीथ, फिर वज़ू करके देन आई गो टू रिसाइट माई कुरान। तो बस अब मैं कुरान पढ़ रही हूँ, उसके बाद यहाँ से फिर मेरे अब्बू की आवाज़ आती है कि टाइम हो चुका है, मतलब टाइम ख़त्म होने वाला है सहरी का, तो आप सब पानी पी लीजिए, मतलब रोज़ अब्बू का ये काम है हम सबको रिमाइंडर दिलवाना। तो बस यहाँ पर मैं अपना पानी फटाफट से पीऊँगी, ज़्यादा पिया भी नहीं जाता एक्चुअली, पी के मतलब भी नहीं है, बाद में यू हैव टू गो टू वॉशरूम एंड ड्रेन इट आउट ऑल। तो बस अब हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से, मैंने नमाज़ भी पढ़ ली है, अब इट्स टाइम टू फाइनली स्लीप। एज आई सेड कि मुझे काफ़ी देर तक फिर नींद ही नहीं आती है चाय पी लो इस वजह से, तो मैं 6:30 बजे तक तो एटलीस्ट आई वॉज़ अवेक। एंड जस्ट लुक एट माई वार्डरोब, बड़ी बुरी, मतलब थोड़ी सी बिगड़ी हुई हालत है, इसको भी सेट करना है अच्छे से, इंशाल्लाह जब करूँगी तो शायद मैं उसका भी वीडियो शूट करूँ। तो बस अब सोते हैं, चलो गुड नाइट, आई मीन इट्स नॉट गुड नाइट, इट्स मॉर्निंग, बट स्टिल चलो। तो अब बस सुबह हो चुकी, मैं उठ चुकी हूँ, एक्चुअली सुबह नहीं, इट्स ऑलमोस्ट आफ्टरनून, मैं 12 बजे उठी हूँ सो के, मैंने अलार्म तो 10 बजे का लगाया था बट नहीं उठ पाई मैं, मुझे बड़ा बुरा लगता है यार। तो बस अब मैं उठ चुकी हूँ फटाफट से, उसके बाद मैं थोड़ा सा काम कर लूँगी, ज़्यादा तो करना है नहीं वैसे, वी हैव अ मेड, तो काम हो जाता है सुबह में या फिर दोपहर में, ज़्यादा कुछ काम रहता नहीं है। तो बस मैं यहाँ पर जो बेडशीट्स वगैरह उन सबको सही कर रही हूँ, ये मेरे भाई का बेडरूम है, वो तो कभी नहीं, वो तो मतलब ऐसे छोड़ के जाता है जैसे कि कोई जानवर रह रहा हो तो बस अब मैं उसका भी बेडरूम यहाँ पर सेट कर लूँगी। और ये देखिए मेरे बिल्लू को, ये तो हर जगह मौजूद रहता है, तो बस एक्चुअली उसका फिर मेरे भाई का वार्डरोब भी मुझे सेट करना है जैसे मेरा करना है, बट वो मैं बाद में करूँगी, अभी मुझे काफ़ी लेट हो गया, मुझे कुरान भी पढ़ना है, तो उसके बाद मैं फ़ौरन से जाऊँगी शार लेने के लिए। तो बस अब मैंने अपने कपड़े निकाल लिए हैं यहाँ पर, टुडे आई एम गोना वेयर दिस, दिस इज़ वेरी लाइट वेट, मतलब बहुत हल्का, बहुत सुकून मिलता है और मुझे पसंद भी है ये वाला आउटफिट काफ़ी। तो बस ये मैंने निकाल लिया अपना आउटफिट एंड आई विल गो टू बाथरूम या। तो बस अब मैं शार लेने के बाद और जो एक दो मेरे काम थे वो ख़त्म करने के बाद वज़ू करके मैं बैठ चुकी हूँ कुरान की तिलावत करने के लिए। तो अभी तो मैं 19th जूस पर हूँ, मतलब 19th पारा चल रहा है मेरा, एज अ सेट कि मेरे एग्ज़ाम थे 2-3 दिन, तो फिर मैं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाई अपनी इबादत पे, आई वाज़ मोर इनटू स्टडिंग। तो अभी मैं इंशाल्लाह अपने स्पीड पकड़ूंगी और फिर जल्दी जल्दी से कुरान मुकम्मल करने का सोची हूँ, मैंने जो मेरा टारगेट है इस बार का, तो 2 बार तो एटलीस्ट मुकम्मल करना ही है, उससे ज़्यादा हो जाए तो वेल एंड गुड।
तो हम सबको आई थिंक हम सबको रमज़ान का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए, रिसाइट मोर एंड मोर कुरान, नफिल की नमाज़ें पढ़ें, सदका ज़कात ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दें। मतलब यू हैव टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, इस रमज़ान के बाद हम एक अच्छे इंसान बन के निकलेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बस अब मैं यहाँ पर कुरान रिसाइट कर रही हूँ, उसके बाद मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूंगी एंड देन थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। आई मीन रेस्ट क्या करना है, 12 बजे सो के उठी हूँ, उससे ज़्यादा और क्या रेस्ट करूँ। तो बस इसके बाद मैं किचन में चली गई देखने के लिए कि कुछ है या नहीं। और ये देखिए, मैं बिना मतलब कि मैंने फ्रिज खोला, कुछ काम नहीं था, वो आदत है, आदत से मजबूर। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर करूँगी वो मैं पोटैटो बॉईल कर लूँगी। ये देखिए थर्ड क्लास ट्रांजिशन, मतलब ये हमारे पोटैटोज बॉईल हो चुके हैं, क्योंकि मुझे रशियन कबाब बनाना था। तो उसका चिकन का जो मिक्सचर था वो बहुत पहले हमने बना के रख लिया था फ्रीज़र में स्टोर करके, तो बस मुझे सिर्फ आलू बॉईल करना है और उसमें मिक्स करना था। और यहाँ पर हम चने बनाएंगे। तो आज मैं डिटेल्ड रेसिपी तो नहीं शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि इट्स माई फुल डे रूटीन, तो इट्स नॉट अ रेसिपी वीडियो और समथिंग। तो बस यहाँ पर मैंने प्याज, टमाटर और ये सारी चीज़ें चने में ऐड कर दी है, हल्दी, नमक, मिर्ची, यू नो जो सारी चीज़ें होती है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के, ऑयल डाल के उसे मैं रख दूंगी पकने के लिए। और यहाँ पर अब बारी आती है रशियन कबाब की। तो ये देखिए, हमने पॉलीथीन में स्टोर किया था बिकॉज वी डिडंट हैव अ कंटेनर, तो हमने पॉलीथीन में इसे लास्ट मोमेंट पे स्टोर करके फ्रीज़र में रख दिया था, उसको डिफ्रॉस्ट कर लिया। जो आलू हमने बॉयल किए थे वो ऐड कर दूंगी, क्योंकि हमने आलू बॉयल किए हैं तो सॉल्ट की क्वान्टिटी भी कम हो गई होगी, मतलब इसके लिए बस मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी और रेड चिली पाउडर। तो बस उसमें कुछ करना नहीं था, ज़्यादा मेहनत नहीं था आज अफ्तारी में, ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी बट अल्हम्दुलिल्लाह थी। तो बस अब मैं कबाब का शेप देकर, अब इससे पहले मैं अंडे में डिप करूँगी एंड देन ब्रेड क्रम्स में। तो बस ये काम मेरा जल्दी जल्दी हो गया था। फिर इसके बाद मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी, जब फ्राई करने का टाइम आएगा तब जल्दी से फ्राई कर दूँगी। बहुत जल्दी फ्राई भी हो जाते हैं, देयर इज डिडंट टेक टाइम एट ऑल। बस जी ये देखिए, प्रो हूँ कि नहीं। तो इस बार मैंने एक नई चीज़ सीखी थी कि दिस इज़ नॉट अ न्यू थिंग, आई मीन, क्योंकि जब भी मैं अंडा और ब्रेड क्रम जब मैं यूज़ करती हूँ तो मेरा पूरा ब्रेड क्रम मैं ख़राब कर देती हूँ। सो दिस इज़ व्हाट आई लर्न, कि एक हाथ जो हमें हमेशा अंडे में रखना है और दूसरा हाथ जो ब्रेड क्रम है, दोनों को कभी मिक्स नहीं करना है। दिस इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस बट या फॉर अ क्रैक हेड लाइक मी इट्स अ न्यू थिंग। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं गार्लिक ब्रेड बना लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ चीज़ें थी नहीं मेन्यू में आज इफ्तारी के, और गार्लिक ब्रेड बहुत जल्दी बन जाती है, उसके लिए ज़्यादा कुछ चीज़ें भी नहीं चाहिए। एंड ऑफ कोर्स मेरे पास गार्लिक ब्रेड का जो ब्रेड होता है वो भी नहीं था, मैंने जो नॉर्मल ब्रेड होता है वही यूज़ किया था, बट या टेस्ट बहुत सही था इसका। तो बस मैंने बटर ले लिया, उसको माइक्रोवेव में थोड़ी देर के लिए मैंने इसे गर्म कर लिया है, क्योंकि ये बिल्कुल पत्थर की तरह बन चुका था। उसके बाद बस वही जो हमारी नॉर्मल चीज़ें पड़ती हैं उसमें मैं सब डाल दूँगी, आपके पास हो तो डालिए, ना हो तो ना डालिए। तो मैंने गार्लिक उसमें कूट के डाल दिया, उसकी चटनी बना के बिल्कुल वो मैंने डाल दिया है। यहाँ पर कोरिएंडर था उसको काट के चॉप करके मतलब डाल दिया, फिर रेड चिली फ्लेक्स डाल दिया, मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला क्योंकि जो बटर था वो सॉल्टेड था। बस अच्छे से मिक्स करके मैं बटर ये जो ब्रेड है हमारा, ब्रेड के स्लाइसेस उस पर अप्लाई कर दूँगी। ये लुक एट इट। तो बस मैं इस तरीके से सारे स्लाइसेस पे अप्लाई कर दूंगी ये जो मिक्सचर था। उसके बाद बारी आती है चीज़ की। तो मेरे पास दो तरीके की चीज़ थी, एक मोज़रेला चीज़ और चीज़ स्लाइस, काफ़ी पड़ी हुई थी मेरे पास चीज़ स्लाइस जो थी। तो मोज़रेला चीज़ तो मैं नहीं यूज़ करूंगी, क्योंकि कल या परसों इंशाल्लाह मैं पिज़्ज़ा बनाऊंगी, तो मैं मोज़रेला चीज़ उसमें यूज़ करूंगी। तो फिर मैंने सोचा कि ये वाली चीज़ ही यूज़ कर लेते हैं, अब रखी हुई है। तो यहाँ पर मैंने तो सबसे पहले पूरी एक एक जो स्लाइस होती है वो एक ब्रेड पर रखा, बट बाद में मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर मैंने इसको 3 पीसेस में कट किया और फिर मैंने सिर्फ दो दो पीसेस जो है वो एक स्लाइस पे रखा है। क्योंकि ये देखिए मैं कितनी ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी मैं, इसलिए क्योंकि जो ये जो है कम चीज़ वाला या फिर बिना चीज़ वाला जो, वो मैं मेरे अब्बू के लिए बनाऊंगी, क्योंकि उनको डेयरी प्रोडक्ट्स मना है, चीज़, बटर, मिल्क, एवरीथिंग, सो वो नहीं खाएंगे। तो यहाँ पर जब मैंने एक के ऊपर एक स्टैक किया, मतलब दो स्लाइसिस को एक के ऊपर एक रखा, तो मैंने और बीच से इसको कट कर दिया। फिर मैंने सोचा तो काफ़ी कम है यार, मतलब ये तो होगा ही नहीं। फिर मैंने और एक मतलब थोड़ा और ज़्यादा बटर मिला के मिक्सचर बनाया और फिर और स्लाइसिस मैंने तैयार किए। तो ये देखिए हमारा जो गार्लिक ब्रेड है वो तैयार है, थोड़ा अलग वे में दिख रहा है आई नो, बट हाँ टेस्ट तो इसका बहुत सही था, मतलब यू मस्ट ट्राई इट। फिर उसके बाद बारी आती है पकोड़ों की। तो मैं तो यहाँ पर आज मंचूरियन बनाने वाली थी, जो पत्ता गोभी कैबेज का मंचूरियन होता है, वेज मंचूरियन, बट मम्मा को भेजा था मैंने, बोला था कि लेकर आना पत्ता गोभी, और मम्मा सारी चीज़ें उठा के लाए सिवाय पत्ता गोभी के। तो ऐसे जाने दीजिए, आज ये जो पालक है मम्मा पालक शुगर से लेकर आए थे, तो इसके पकौड़े बना लेंगे हम। तो पालक और प्याज के पकौड़े तो हम जल्दी नहीं बनाते हैं, सिर्फ
प्याज के बनते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने दो बड़े साइज़ के प्याज या आई मीन अनियन ले लिए, उनको मैंने चॉप कर लिया है। और यहाँ पर मैं दो छोटे छोटे साइज़ के जो आलू है वो ले लूँगी, उनको भी मैंने पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिए हैं। स्पीड देख रहे हो मेरी आलू कट करने की? किडिंग, जस्ट किडिंग यार, फास्ट फॉरवर्ड में किया है मैंने वीडियो, इतना स्लो स्लो नहीं कर सकती। उसके बाद ये जो मैंने पालक लिए है उनकी जो एंटीना होती है आई मीन वो जो डंडियाँ होती है वो सब निकाल के अच्छे से वॉश करके ये भी मैं कट करके डाल दूँगी। और इसका टेस्ट सच में बहुत अच्छा था, मैंने पहली बार ट्राई किया था पालक और प्याज के पकौड़े, बट बहुत सही था। तो बस पालक भी ऐड कर दिया है। उसके बाद बारी आती है दुनिया भर के मसालों की, दुनिया भर के नहीं, थोड़े से जो बेसिक मसाले होते हैं वो तो डालना ही पड़ेगा ना यार। तो यहाँ पर मैंने सॉल्ट डाल दिया है, ज़ीरा डाल दिया है, वैसे लोग सौंफ, अजवाइन, ये सब भी डालते हैं, बेशक डालें, आप आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स डाल दिया है मैंने, और हल्दी भी डाल दिया है, और मैंने ग्रीन चिली भी कट करके डाला हुआ था इसमें, तीन या चार ग्रीन चिलीज थी। और ये जो आपने देखा मैंने अपने उंगली को जो भिगोया पानी में, इसलिए क्योंकि प्याज कट करते वक्त मेरी उंगली थोड़ी सी कट गई थी वहाँ पर, तो मुझे बहुत जलन हो रही थी जब मैंने रेड चिली फ्लेक्स डाला, तो इसके लिए मैं थोड़ा सहारा ले रही थी पानी का। खैर, तो अब मैंने इसमें बेसन डाल दिया भर भर के, और मैं इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी, अब मैं इसको ऐसे साइड में रख दूँगी क्योंकि अभी फ्राई करने में काफ़ी वक्त था, काफ़ी नहीं मतलब था, अच्छा खासा वक्त था। तो इसमें प्याज है उसका पानी भी छूटेगा, और जो सॉल्ट डाला उसकी वजह से भी पानी रिलीज़ होता है, तो वो मुझे फिर अलग से पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम बाद में ऐड करेंगे, बट वैसे यूजुअली नहीं पड़ती है ज़रूरत। तो बस उसके बाद बारी आती है शरबत, जूस या जो भी ड्रिंक की, और हम सबका नहीं, मेरे भाई का मोस्ट फेवरेट जो ड्रिंक होता है वो होता है रसना। मतलब ये बचपन से हम लोग पीते आ रहे हैं और अभी तक हम दोनों को पसंद है वो। ये अब जो रसना है ये वाला, वो यूजुअली जल्दी मिलता भी नहीं है। लास्ट ईयर तो हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, इस बार तो चलो शुक्र से मिल गया लोकल मार्केट से। तो बस मैं ये तैयार कर लूँगी, उसके बाद इसे डाल दूँगी फ्रिज में, चिल चिल हो जाएगा मस्त, फिर इन्जॉय करेंगे हम इफ्तारी के टाइम पर। तो चलो भैया, सारी चीज़ें हो गई हैं तैयार, अब बस बारी आती है फ्राई करने की, जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें फ्राई कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से टाइम पर इफ्तारी हो गई थी भैया, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो बस ये देखिए रशियन कबाब मैं फ्राई कर लूँगी, और इसको ना रशियन कबाब को फ्राई करते वक्त ज़्यादा तेल नहीं यूज़ कर सकते यार, मैंने पहले ज़्यादा ऑयल डाला था फिर मैंने वापस निकाल दिया, क्योंकि एक बार मुझसे बड़ी गलती हुई थी, ना ज़्यादा तेल डाली थी, उसके बाद अंदर रशियन कबाब जो मेरा उसके बाद उसका पूरी सब्ज़ी बन गई थी, तो इसलिए मैं भूल से भी अब ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करती हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा यूज़ करना है, ज़रूरत पड़े तो बाद में और ऐड कर देंगे। ये देखिए, तो बस हो जाएगा, अब इसके बाद रशियन कबाब भी हो जाएगा हमारा तैयार, उसके बाद पकोड़े शकोड़े भी फ्राई कर लेंगे। ये जले नहीं आ वैसे, बस इसका कलर डार्क हुआ है, हाँ डाउट नहीं करना मुझ पर। चलो जी, तो बस हमारे रशियन कबाब भी सारे हो चुके हैं तैयार। उसके बाद मेरा भाई आ चुका था, तो उसने यहाँ वो कहीं गया था काम से, तो उसने ये देखिए अंजीर लेकर आया है, और यहाँ पर स्ट्रॉबेरी भी लेकर आया। मेरा इतना दिल कर रहा था इतने दिनों से स्ट्रॉबेरी खाने का, और देखिए अल्लाह ने मेरी सुन ली, तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज भी लेकर आया। इंशाल्लाह मैं इसका स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बना के पीऊँगी। तो बस अब ये जाएंगे फ्रिज में, इनको तो फ़िलहाल रख दूँगी मैं फ्रिज में। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर साइड में हमारे पकौड़े भी फ्राई हो रहे हैं। भैया मैं ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करती हूँ कभी भी फ्राई करने के लिए, आई नो ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, मतलब ज़्यादा यूज़ करना चाहिए मतलब जब तक पूरा जो हमारे जो पकौड़े हैं ना भजिया वो पूरा अंदर तक है ना भीग जाना चाहिए ऑयल में, इतना यूज़ करना चाहिए, बट मैं उतना नहीं यूज़ करती, इतना सारा ऑयल कौन वेस्ट करेगा, हाँ तो मैं नहीं करती हूँ। तो बस ये देखिए, और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे पकौड़े इस बार जो है वो ज़्यादा जले नहीं, वरना अक्सर करके मेरे जो प्याज के पकौड़े पता नहीं कि एकदम लाल हो जाते हैं, एकदम डार्क कलर आ जाता है उनका। और ये देखिए पीछे मेरी मम्मा कुछ तो कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं मगर कुछ तो कर रहे हैं, मतलब आई डोंट इवन रिमेंबर कि वो क्या कर रहे थे, कुछ काम कर रहे थे शायद, मतलब शी ट्राइज़ टू हेल्प मी एट द टाइम ऑफ इफ्तार, बट मैं बोलती हूँ नहीं भैया अभी आप रेस्ट करो, आप ना इफ्तारी के बाद सारे काम करना, मतलब जो खाना बनाने वाला काम होता है ना बेसिकली सालन बनाते हैं इफ्तारी के बाद हम लोग, इफ्तारी में नहीं बनती वो, इफ्तारी के बाद ही बनती है मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद, तो वो मम्मा का काम होता है। बाकी उसके बाद जो बर्तन वर्तन धोने होते हैं वो भी मैं धो लेती हूँ। तो बस यहाँ पर ये देखिए सेकेंड बैच भी हमारे पकौड़ों का फ्राई हो रहा है, जल्दी जल्दी साइमा, जल्दी जल्दी, कम ऑन बी क्विक। तो
तो बस इसके बाद हमारे पकोड़े भी डन हो चुके हैं और इफ्तारी में सिर्फ हार्डली 10 मिनट्स रह गए थे, तो मैंने सोचा अपना गार्लिक ब्रेड भी जल्दी जल्दी से बना ही लेती हूँ, ज़्यादा कुछ करना तो होता नहीं वैसे इसमें। और मुझे माइक्रोवेव की जो अवन की सेटिंग है वो अभी तक गार्लिक ब्रेड के लिए समझ में नहीं आई है, मतलब मेरा सही से नहीं बन पाता माइक्रोवेव में। इसके लिए मैं जो फ्राई पैन ही प्रेफर करती हूँ, बड़े जल्दी हो जाता है और बड़ा ही सही लगता है। तो बस हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, गार्लिक ब्रेड भी तैयार हो गया और ये माशाल्लाह से पूरी हमारी जो दस्तरखान जो है वो भी भर चुका है। सारी चीज़ें टाइम पे रेडी हो चुकी थी, अब हम दुआ करेंगे और अपना इफ्तार एंजॉय करेंगे। और आप सब भी इफ्तारी से पहले दुआ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हर रोज़ेदार की दुआ जो है वो कबूल होती है, तो इसके लिए आप सब भी दुआ कीजिएगा। बस इफ्तारी हो चुकी है, उसके बाद हमने सब ने नमाज़ पढ़ लिया और फिर मैंने चाय बना लिया जल्दी से सबके लिए, फिर हम चाय पियेंगे सुकून से बैठ के। मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, मैंने सारा काम कम्प्लीट करने के बाद बर्तन वर्तन धोने के बाद फिर मैं चाय पीती और फिर जो भी बची हुई चीज़ें हैं वो सब खाते हैं साथ में। तो बस ये था मेरा सहरी टू इफ्तारी रूटीन। आई होप आप सबको पसंद आया वीडियो, अगर पसंद आया तो डू गिव इट अ लाइक एंड प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और बस अब मैं जाके सोफे पर रिलैक्स करूँगी थोड़ी देर, क्योंकि उसके बाद फिर तरावियाँ भी पढ़नी है, ईशा की नमाज़ पढ़नी है। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड ऑफ कोर्स स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी, बाय।